शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। भारत, चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री करेंगे शिरकत। बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। पीएम मोदी आज 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम रेडियो ट्रांसमीटर्स का करेंगे उद्घाटन। नए ट्रांसमीटर्स से 2 करोड़ अतिरिक्त लोग और सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम रेडियो सेवा पहुंचेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह पर एक नाबालिग और सहित 7 महिला पहलवानों ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में आज माफिया अतीक और अशरफ की हत्या की जांच को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई। याचिका में 2017 से अब तक यूपी में हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान मौत मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। मुंबई की विशेष अदालत सुबह 10:30 बजे सुनाएगी फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री ली शुंगफू से मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग से पहले गुरुवार को दिल्ली में हुई मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शुंगफू को 2 टूक संदेश। राजनाथ ने कहा सीमा पर तनाव खत्म किए बिना संबंध नहीं हो सकते सामान्य। 2020 गलवान झड़प के बाद मंत्री स्तरीय पहली बैठक में उठा पूर्वी लद्दाख में तनाव का मुद्दा। पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं आमने सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ईरान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों से भी द्विपक्षीय वार्ता की। रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की द्विपक्षीय बातचीत आज होनी है। पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया खेद। कहा उनका बयान निजी नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा से संबंधित था। कर्नाटक के बसवनगुड़ी में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान खड़गे ने कहा था पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, अगर आप इसे चाटते हैं तो आप मर जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए खड़गे ने ऐसा बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को उनकी पार्टी के नेता ही अध्यक्ष नहीं मानते, अपना महत्व बढ़ाने के लिए खड़गे ने बदतर बयान दिया। मुंबई में एनसीपी युवा सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष शरद यादव का बड़ा बयान। कहा रोटी पलटने का वक्त आ गया, अब देरी से नहीं चलेगा काम, रोटी नहीं पलटी तो जल जाएगी। संजय राउत ने पवार के बयान पर दी सभी प्रतिक्रिया। राउत ने कहा कि रोटी बदलने का वक्त तो दिल्ली में भी आ चुका है। उद्धव गुट के नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में भी सत्ता बदलाव की हर प्रक्रिया में हम भरपूर सहयोग देंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना कार्यक्रम पर राज्य के मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे घेराव। केंद्र, असम और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच गुरुवार को हुआ द्विपक्षीय समझौता। गृहमंत्री शाह ने कहा समझौते से राज्य में स्थापित होगी शांति। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज का ऐलान। ऐतिहासिक समझौते में सहमति हुई है कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के सारे प्रतिनिधि हिंसा का मार्ग छोड़कर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हिस्सेदार हों। बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने दर्ज कराई एफआईआर। कर्नाटक में पीएम मोदी की शनिवार को पहली चुनावी रैली होगी। कल से चुनाव प्रचार में उतर रहे प्रधानमंत्री 7 मई तक 22 चुनावी रैली और रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह का 8 से 2 दिवसीय कर्नाटक चुनावी दौरा। हुबली धारवाड़ में आज करेंगे जनसभा। नड्डा आज शिवमोगा में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज कल दूसरा दिन रहा। राहुल की कुलबुर्गी, बिल्लारी, कुष्टगी में जनसभा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में किया बड़ा ऐलान। कहा सरकार बनी तो राज्य परिवहन में महिलाएं करेंगी फ्री सफर। राहुल ने उडुपी में मछुआरों से संवाद किया। उडुपी में मछुआरा समुदाय से संवाद के दौरान राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा राज्य में बीजेपी ने विधायकों की चोरी कर सरकार बनाई।
कर्नाटक चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पीएम मोदी ने 50 लाख कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का लक्ष्य देते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब बूथ विजयी होता है तो चुनाव में जीत निश्चित होती है। विपक्ष पर पीएम मोदी ने तंज कसा, कहा बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच है। हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना। देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आड़े हाथों लिया। पहलवानों ने जांच कमेटी और ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा के बयान पर सवाल उठाए। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की, एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में। 2-4 मिनट खिलाड़ियों के बीच में बैठे थे, उनके अधिकारी मध्यस्थता कर रहे थे खिलाड़ियों के साथ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के रवैये पर जताया दुख। धरना दे रहे पहलवानों से 12 घंटे तक मंत्रणा करने का दावा किया। कहा, हमने सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने रेसलर्स के विरोध को बताया गैर जरूरी। उषा ने कहा, जांच के बीच विरोध के लिए सड़क पर उतरने से देश और खेल दोनों की छवि खराब होगी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई। राहुल ने 23 मार्च को मानहानि केस में हुई 2 साल की सजा के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी गई। फिरोजाबाद में सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत में तुष्टीकरण नहीं होता है, अब सशक्तिकरण की राजनीति का ही परिणाम है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के कासियागंज में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या के विरोध पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का आज बंद। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। दिल्ली में गुरुवार को आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप जहां से सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरी, तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास में हुए रेनोवेशन का विरोध किया। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल की गुरुवार को अंत्येष्टि कर दी गई। हजारों लोगों ने नम आंखों से बादल को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के समय पंजाब सीएम भगवंत मान, हरियाणा के सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। प्रकाश सिंह बादल के पैतृक आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी प्रमुख शरद यादव और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 10 डीआरजी जवानों को बंदूकों की सलामी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तिरंगे में लिपटकर रखे जवानों के पार्थिव शरीर को देख परिवार वालों की आंखें भी नम हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने सभी शहीदों को पुष्प अर्पित किए। भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि कंधा भी दिया। भूपेश बघेल ने शहीदों के ताबूतों को लेकर वो आगे बढ़े। बुधवार को दोपहर एक ऑपरेशन से लौटने के बाद दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पुलिस पर अटैक किया था। हमले में 10 डीआरजी जवानों के अलावा एक ड्राइवर की भी मौत हुई। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को परमानेंट रिहाई मिली। गुरुवार तड़के आनंद मोहन को सहरसा जेल से छोड़ा गया। बाहुबली नेता की रिहाई के दौरान अधिक भीड़ होने की आशंका जताई जा रही थी, लिहाजा एहतियातन प्रशासन ने आनंद मोहन को तड़के ही जेल से छोड़ दिया। आनंद मोहन के स्वागत के लिए जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स, आनंद मोहन को शेर बिहार कहा गया। साथ ही लिखा गया, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह समेत 27 दोषियों को रिहा किया गया। आनंद मोहन पर मेहरबान नीतीश सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया था। आनंद मोहन समेत 26 लोगों की रिहाई मामले में ओवैसी ने नीतीश और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, आज बिहार सरकार ने जो फैसला लिया उससे आईएएस अफसर जी कृष्णैया की दोबारा हत्या की जा रही है।
आंध्र प्रदेश की आईएएस एसोसिएशन ने गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई। आनंद मोहन की रिहाई के बाद जी कृष्णैया के परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई। कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने कहा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मामले में हस्तक्षेप करें। जी कृष्णैया के परिवार ने कहा, राष्ट्रपति पीएम मोदी और सीएम से अपील की, आनंद मोहन को दोबारा जेल भेजा जाए। अतीक के ससुराल से मिली हवाला की डायरी। डायरी में कई करीबियों के नाम और फोन नंबर दर्ज, पैसों के लेन देन की डायरी खंगाल रही है पुलिस। 25 बड़े हवाला कारोबारी पुलिस के रडार पर। शाइस्ता परवीन पर ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी ने शाइस्ता के 10 बैंक खातों को सीज किया। अतीक के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ईडी के रडार पर। प्रयागराज में भूमाफिया रिजवान के अवैध कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। एचसी के आदेश के बाद अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन हुआ। दिल्ली के गाजीपुर कूड़े के पास बने एक मदरसे और मस्जिद के एक हिस्से को गिराने पहुंची प्रशासन की टीम, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। कुछ दिन पहले नए निर्माण को लेकर विरोध हुआ था, गाजीपुर लैंडफिल के पास प्रशासन अवैध मदरसा गिरा रहा है। दिल्ली के मौसम में एक बार फिर करवट ली है। अप्रैल महीने में मई जून जैसी गर्मी पड़ने के बाद अब वापस बारिश लौटी। मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 मई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया। तापमान में भी गिरावट आएगी। यूपी में अगले 2 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। बिहार में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने 19 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। करीब 10 घंटे के बाद खुला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वाहन फंसे। यूपी के कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने को लेकर कार्रवाई। जाजमाऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह में प्रशासन की मनाही के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में FIR दर्ज। देश की राजधानी दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर मारी 3 लोगों को गोली। बिहार की राजधानी पटना में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। रुपसपुर में कैब से जा रहे युवक को 2 बाइक सवारों ने गोलियों से भूना। यूपी के कानपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा देह व्यापार के धंधे का खुलासा। पुलिस ने 13 महिलाएं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट पर पकड़े गए 6 अवैध बांग्लादेशी भारत में इन्हें घुसने में मदद करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई के गांव देवी इलाके में एक व्यापारी के घर हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा। घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था अंजाम। अमृतसर में BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। करीब 2 किलो हेरोइन भी जब्त की। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटों में देश में 9355 कोरोना के नए केसेस सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 26 मरीजों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 57,410। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना केस में मामूली गिरावट। 24 घंटे में 865 नए मरीज सामने आए। 3 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटों में 1 मरीज की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या 5,233। हरियाणा में कोरोना से लगातार दूसरे दिन 2 मौतें। 24 घंटे में 866 नए केस। भारत में जर्मनी के राजदूत ने भारत का मजाक उड़ाने पर जर्मन मैगजीन को लिया आड़े हाथों। राजदूत फिलिप एकरमैन ने पत्रिका डेर स्पिकल को दिल्ली मेट्रो में घूमने का ऑफर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर हंसी के पात्र बन गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाइडेन के हाथ में एक पत्रकार की तस्वीर लगी। सवाल जवाब लिखा पत्र दिखा, जिस पर बाइडेन की खिल्ली उड़ रही है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की ताजपोशी में 6,000 ब्रिटिश सैनिक होंगे शामिल। पिछले 70 सालों में देश में सैनिकों की यह सबसे बड़ी तैनाती होगी। ब्रिटेन की तंबाकू कंपनी बैट पर नॉर्थ कोरिया को सिगरेट बेचने के आरोप में जुर्माना। अमेरिका ने ब्रिटेन की कंपनी पर 52,000 करोड़ का जुर्माना लगाया। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रनों से हराया। इस जीत के साथ टॉप पर पहुंचा राजस्थान। 203 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी चेन्नई की टीम। 170 रन ही बना पाई। राजस्थान की ओर से 77 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सीएसके के स्पिनर्स ने 5 विकेट झटके, वहीं जंपा ने 3 विकेट लिए।
आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने अपने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। पार्टी के दौरान एक महिला से हुई छेड़खानी के बाद सिटी ने यह फैसला लिया। आईपीएल खेल रहे इंग्लैंड के टॉप सिक्स प्लेयर्स को देश के लिए खेलना छोड़कर दुनिया के टॉप लीग खेलने का ऑफर हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड महिला खिलाड़ियों को लेकर सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 17 खिलाड़ियों को जगह मिली। ए कैटेगरी को 50 लाख, बी कैटेगरी को 30 लाख और सी कैटेगरी को 10 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ। दुबई में सलमान खान ने सानिया मिर्जा के बेटे का मस्ती के साथ उसके साथ मस्ती की और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।